G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत आए ऋषि सुनक जबरदस्त चर्चा में थे, लेकिन भारत से वापस ब्रिटेन लौटते ही ऋषि सुनक ने भारत को बड़ा झटका दे दिया है। ब्रिटेन पहुंचते ही सुनक ने भारत से ब्रिटेन जाने वाले यात्रियों की वीजा फीस बढ़ा दी है। जी हाँ, क्या है पूरा मामला आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्ते, मैं हूँ अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऋषि सुनक G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए थे, यहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। दामाद सुनक पहली बार भारत की यात्रा पर थे, लेकिन ब्रिटेन वापस जाते ही उन्होंने भारत के लोगों को तगड़ा झटका दे दिया। ब्रिटेन ने अपने यहाँ आने वाले लोगों और छात्रों के लिए वीजा फीस बढ़ा दी है। वीजा फीस में बढ़ोतरी अगले महीने 4 अक्टूबर से लागू होगी, यानी 4 अक्टूबर से पर्यटक, अचानक आ जाने वाले और छात्रों के लिए यूके की यात्रा महंगी हो जाएगी। विजिटर्स को अब 6 महीने से कम समय वाले दौरे के वीजा के लिए £15 यानी कि ₹1543 और स्टूडेंट वीजा के लिए £127 यानी ₹13,070 अधिक खर्च करने होंगे। शुक्रवार को संसद में पेश किए गए अध्यादेश के बाद ब्रिटेन के गृह विभाग ने कहा कि बदलावों का मतलब है कि 6 महीने से कम समय के दौरे के वीजा की लागत बढ़कर £115 यानी ₹11,835 हो जाएगी और छात्र वीजा के आवेदकों को अब £490 यानी ₹50,428 खर्च करने होंगे। इस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने क्या कहा है, आपको वो भी बता देते हैं। सुनक ने कहा है कि इस वृद्धि से सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए ₹10,000 करोड़ जुटाने में मदद मिलेगी। इस फैसले के तहत ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति वीजा शुल्क सालाना ₹65,000 से बढ़ाकर ₹1,08,000 होगा। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सालाना शुल्क ₹50,000 से ₹82,000 होगा। साथ ही इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज की सामान्य लागत लेवी सालाना ₹65,000 से ₹1,08,000 की जाएगी। इसका भुगतान वीजा आवेदन जमा करने से पहले होता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए लेवी चार्ज ₹50,000 से ₹80,000 करने का प्रस्ताव रखा गया है। ब्रिटेन में वीजा संबंधी शुल्क में बढ़ोतरी का मतलब ये है कि 5 साल के लिए ब्रिटेन आने वाले व्यक्ति को सिर्फ हेल्थ चार्ज शुल्क के रूप में ₹5,45,000 का भुगतान करना होगा। वर्क और ट्रैवल वीजा के लिए वीजा शुल्क में 15% और स्टडी वीजा प्रायोजन के प्रमाण पत्र के लिए 20% की वृद्धि प्रस्तावित है। इमिग्रेशन विशेषज्ञों के मुताबिक इससे ब्रिटेन में बसने के इच्छुक 4 लोगों के एक परिवार के कानूनी व ट्रांसफर चार्ज से पहले ही 34 लाख खर्च हो चुके होंगे। लेवी सालाना ₹65,000 से ₹1,08,000 की जाएगी। इसका भुगतान वीजा आवेदन जमा करने से पहले होता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए लेवी चार्ज ₹50,000 से ₹80,000 करने का जो है वो प्रस्ताव रखा गया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।